फाइनली बॉलीवुड के उभरते सुपरस्टार रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पूरे दो दिन हो चुके हैं। तो वहीं विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर भी आज बॉक्स ऑफिस पर अपना दूसरा दिन पूरा कर रही है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एनिमल फिल्म की। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कल यानी कि 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी रणबीर कपूर, जी हाँ, बॉलीवुड के नए एक्शन एग्री यंग मैन रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल। और इस फिल्म का आज चल रहा है सिनेमाघरों में दूसरा दिन। तो आज हम बात करेंगे कि इस फिल्म ने ऑफिशियली अपने दो दिनों के अंदर इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो अगर बात की जाए फिल्म एनिमल की, तो फैंस सालों से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली जब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है तो इस फिल्म को फैंस तरफ से काफी अच्छा शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आपको बताता चलूं कि फिल्म के मेकर्स पूरी तरह से तैयार थे इस फिल्म को बड़े लेवल पर रिलीज करने के लिए। अगर बात की जाए फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जब ये फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से लगभग 64.50 करोड़ रुपए के साथ शानदार ओपनिंग ली। हिंदी भाषा की बात करें तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी भाषा से लगभग 54 करोड़ रुपए कमाए। तो वहीं तमिल और तेलुगु भाषा से भी इस फिल्म ने लगभग 10.50 करोड़ रुपए के साथ ओपनिंग ली। और अगर आप बात करें फिल्म के टोटल इंडियन ग्रॉस कलेक्शन की, तो इस फिल्म का जो पहले दिन का टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो इंडिया से लगभग 80 करोड़ रुपए का रहा। तो वहीं ओवरसीज में भी इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 32 करोड़ रुपए के साथ शानदार ओपनिंग ली। और इसी तरह इस फिल्म का जो पहले दिन के अंदर टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो लगभग 112 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। और इसी के साथ ये फिल्म अपने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ चुकी है, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म जवान का अपने पहले दिन का जो कलेक्शन था वो लगभग 129 करोड़ रुपए का था। अगर बात करें दूसरे दिन की, तो इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन जवान फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया। बात करें फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 75 करोड़ रुपए कमाए। और इसी तरह इस फिल्म का जो दो दिनों के अंदर टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग 250 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। जी हाँ, ये फिल्म 250 करोड़ रुपए अपने दो दिनों के अंदर कमा चुकी है। और इसी के साथ ये फिल्म शाहरुख खान की फिल्म जवान को पीछे करके बॉलीवुड की नंबर वन फिल्म बन चुकी है। वैसे अगर आपने एनिमल फिल्म देख ली है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सैम बहादुर के दो दिनों के टोटल इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फाइनली इसी हफ्ते रिलीज हुई विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर को आज बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कर रही है धुआंधार कमाई। बात करें फिल्म की, तो इस फिल्म को लगभग 55 करोड़ रुपए के स्मॉल बजट के साथ बनाया गया था। साथ ही इस फिल्म का डायरेक्शन किया है मेघना गुलजार ने और इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। फिल्म का जो बज है वो कहीं ना कहीं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म एनिमल के सामने फीका रहा, लेकिन फिल्म के बजट के हिसाब से इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की। तो वहीं दूसरे दिन भी इस फिल्म के जो कलेक्शन थे उनमें भी एक बड़ा उछाल देखने को मिला। बात करें फिल्म के दो दिनों के डिटेल कलेक्शन के बारे में, तो सैम बहादुर ने अपने पहले दिन ऑल इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6.55 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग ली और एक तरह से इस फिल्म के हिसाब से ये ओपनिंग काफी बढ़िया रही। तो वहीं अगर आप बात करें फिल्म के सेकंड डे के कलेक्शन की, तो सैम बहादुर ने अपने दूसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7.50 करोड़ रुपए के शानदार कलेक्शन किए। और इसी के साथ सैम बहादुर फिल्म का जो शुरुआती दो दिनों के अंदर टोटल इंडियन नेट कलेक्शन था वो लगभग 13.65 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। तो वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन के मामले में ये फिल्म अपने दो दिनों के अंदर लगभग 16.25 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने में कामयाब हो चुकी थी। और इसी के साथ इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में भी अपने दो दिनों के अंदर लगभग 1.80 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली है। और इसी के साथ सैम बहादुर फिल्म का जो शुरुआती दो दिनों के अंदर टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 18.4 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। जी हाँ, ये फिल्म अपने दो दिनों के अंदर लगभग 18.4 करोड़ के आंकड़े को पार करने में कामयाब हो चुकी है, जो कि इस फिल्म के बजट के हिसाब से काफी बढ़िया कलेक्शन है। वैसे क्या आपने ये फिल्म देख ली है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।